में आजकल हर तरफ जंगली सुअर दिखाई दे रहे हैं। सुअर कश्मीर में कहां से आए, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। न्यूज 18 के डिप्टी एडिटर शबीर अहमद की इस रिपोर्ट में देखिए क्या है जंगली सुअरों का कश्मीर कनेक्शन और क्यों है माहिरीन परेशान। कश्मीर में अब हर जगह जंगली खिंजीरों की टोलियां नजर आ रही है। इनकी यहाँ मौजूदगी से कई कहानियां वाबस्ता है। जंगली खिंजीर कश्मीर के मकामी नहीं है, लेकिन डोगरा महाराजाओं ने कुछ इलाकों में शिकार के मकसद से कश्मीर में मुतारिफ करवाए थे। ये जानवर सख्त आबोहवा में जिंदा नहीं रह सका और सन 1984 तक ये गायब हो गया। फिर 30 साल के बाद सन 2013 में स्कॉस्ट वाइल्ड लाइफ टीम कोडाजी गाम नेशनल पार्क श्रीनगर में हादिसाती तौर पर 3 जंगली खिंजीर मिले। डॉक्टर खुर्शीद एचओडी वाइल्ड लाइफ स्क्वेस्ट कश्मीर उस वक्त टीम की सरबराही कर रहे थे। इसी दौरान शुमाली कश्मीर के उड़ी इलाके में भी जंगली खिंजीर देखे गए। 2013 में व्हेन वी वर डूइंग आवर रिसर्च इन दाचीगाम ऑन होंगुल, तो वहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम आफ्टर 30 इयर्स हुई जो हमने रीअपियरेंस उसका जो है देखा है पहली बार। उस टाइम ओनली 3 एनिमल्स वी कुड सी, और अगर आप देखेंगे वहाँ पर दासी गांव में तो वहाँ पे पूरा जो है मतलब वो एरिया जो है पूरा जो है ऑक्यूपाई हो गया है वाइल्ड बोर से, और ये वहाँ से जाके जो एडजॉइनिंग एरियाज है वहाँ पे भी अब जो है फैल गया है। और उसके साथ साथ जो नॉर्थ कश्मीर में बहुत सारे एरियाज में उसी दौरान 2013 के आसपास वहाँ पे देखा गया था, और वहाँ पे फिर ये एक पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है तो हमने भी पब्लिश किया है और उस एरिया से भी पब्लिश हुआ है कि वो प्रोबेबली उसका जो है सोर्स है इट हैज़ कम फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द कश्मीर। तो एलओसी के उस पार से पॉसिबली, बिकॉज वहाँ पे उसका जो है ऑकरेंस है उस एरिया में, बिकॉज दैट इज मोर और लेस सेमी ट्रॉपिकल यहाँ के नस्बत से, तो वहाँ पे उसका ऑकरेंस है। इतने अरसे बाद जंगली खिंजीरों की मौजूदगी ने महकमे वाइल्ड लाइफ को अलर्ट कर दिया। इसके असरात और मौजूदगी पर तहकीक शुरू कर दी गई। इब्तदाई तहकीक करने वाले आकिब रशीद का कहना है कि अब सिर्फ डाची गांव में जानवरों की तादाद 120 से ज्यादा है। इनका कहना है कि जंगली खिंजीर जम्मू कश्मीर के जानवर हांगुल के लिए खतरा है और ये इंसानों और जानवरों के तसादुम में इजाफा करेंगे। ये हमारे हांगुल के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा, बल्कि खतरा बढ़ जाएगा हमारे हांगुल के लिए। एक तो डायरेक्ट कंपटीशन है हैबिटेट फूड के लिए, एक तो वो, दूसरा कि अगर हमारे बागात में घुस गया, देहात में घुस गया, तो इसको कंट्रोल कर पाना फिर बहुत ही मुश्किल है। तो वक्त की अहम जरूरत है कि इसी टाइम पे इसको कंट्रोल किया जाए। इसको कुछ देर के लिए गवर्नमेंट को हम रिकमेंड करेंगे कि इसको कुछ देर के लिए वोमिन डिक्लेयर किया जाए, ताकि इसी टाइम पे इसकी पॉपुलेशन जो है कंट्रोल कर पाए हम, और ताकि हम आने वाले नुकसानात और खतरात से बच जाए। वाइल्ड लाइफ के माहिर डॉक्टर खुर्शीद भी इसी तश्वीश का इजहार कर रहे हैं। वो यकीनी तौर पर इंसान और जानवरों के तसादुम का खदशा जाहिर कर रहे हैं। ये तो अपरूट करता है पूरा, ये बागात को भी कर सकता है। जैसे आप पॉर्क्यूपाइन की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा खतरनाक ये हो सकता है जो वाइल्ड बोर है। ये बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है क्रॉप फील्ड के लिए और ऑर्चिड्स के लिए। इंसान और जानवरों का यह तसादुम शुरू हो चुका है। ट्यूलिप गार्डन और बोटानिकल गार्डन को खतरा है। इस साल जब ट्यूलिप गार्डन तैयार हो रहा था, जंगली खिंजीरों ने गार्डन मैनेजर्स को मुश्किल से दोचार किया। वाइल्ड बोर्स का क्या कितना खतरा है? हाँ, ये काफ़ी चैलेंज है इसमें वाइल्ड बोर्स का भी है, क्योंकि दे यूज टू उनको ये इसमें आपको पता ही बल्ब हैं, तो उसमें भी हमारे एम्प्लॉयज़ ने और हमारे जो डिपार्टमेंट ने वी ऑन टाइम, हमने भी एक मेश वायर से इसको फेंसिंग की और वॉच एंड वार्ड बढ़ाया। हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे देवर डे एंड नाइट।
ड्यूटी दे रहे थे सो दैट कि वी कीप दीज वाइल्ड बोर्स एट बे। क्योंकि कितने वाइल्ड बोर्स हैं? मैंने जो एक सीसीटीवी फुटेज देखा, बहुत बड़ी तादाद, बहुत तादाद है और ये एक नया चैलेंज आ रहा है। मुझे लगता है अगले सालों में एक बड़ा चैलेंज इस गार्डन के लिए वाइल्ड बोर्स होंगे। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। कश्मीर की सख्त आबोहवा में जंगली खिंजीरों की मौजूदगी और बखा एक गहराई से मुताले का तकाजा करती है। कुछ माहिरों का कहना है कि यह मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है, लेकिन किसी के पास इस बात का वाज़े जवाब नहीं है कि यह गैर मुकामी जानवर कैसे जिंदा और बढ़ रहा है। काले रीछ, चीते और पोर्क्यूपाइन इंसानों और जानवरों के तसादों में मुलविस रहे हैं और अब जंगली खिंजीरों का इजाफा यकीनी तौर पर इस मसले में इजाफा करेगा। न्यूज 18 के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने